अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आप रिसीव करें आपके पार्टनर के फॉर्म में या आपके फ्रेंड्स के रूप में या फिर आपके जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनके रूप में, तो आपको इन दो एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल एफर्मेशंस हैं। इन एफर्मेशंस की जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और मैं इनका एक प्रूफ भी आपको दूंगी कि क्यों इन एफर्मेशंस को बोलने से आपकी लाइफ में प्यार का अट्रैक्शन बढ़ेगा। लेकिन इन एफर्मेशंस को यूज़ करने से पहले आपको दो बातों का बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो माइंडसेट आपका चेंज नहीं हुआ तो आप चाहे कॉन्शियस लेवल पे कितनी भी एफर्मेशंस बोलते रहें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पहली चीज़ क्या है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं वाइब्रेशनल लेवल पे। इसका क्या मीनिंग है, अगर आप अपने अंदर अकेला फील करते हो, लोनली फील करते हो, सैड फील करते हो और आपको ऐसा विश्वास है कि मुझे प्यार मिल ही नहीं सकता या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, तो आपको बाहर से कैसा अट्रैक्शन होगा जैसा आप अपने अंदर से सोचते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे आपको हर दिन अपने आप को याद करवाना है कि क्या मैं यही अट्रैक्ट करना चाहती हूँ जो मैं फील कर रही हूँ। इस क्वेश्चन के साथ आप अपनी वाइब्रेशन को उसी समय में चेंज कर पाएंगे, क्योंकि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ। अगर मैं लो फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, तो मैं इसी सैडनेस को और ज़्यादा अट्रैक्ट करूँ। तो आपको पहले इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, जब आप अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे। तो हर दिन अपनी 5 क्वालिटीज़ को देखना स्टार्ट करो, उनके बारे में सोचना स्टार्ट करो, उनको रियलाइज़ करो, उनको फील करो कि मेरे में वो 5 कौन सी क्वालिटीज़ हैं। हर दिन अपने अंदर की क्वालिटीज़ को डिस्कवर करना स्टार्ट करो। आई एम डिज़र्विंग, आई एम वर्दी, इन एफर्मेशंस को बोलना स्टार्ट करो कि मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार अपनी लाइफ में, मैं वर्दी हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ एंड आई एम लवेबल, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं प्यार के काबिल हूँ, मैं प्यार के लिए ही बनी हूँ। इस तरह की एफर्मेशंस के साथ अपने आप को आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब वो दो पावरफुल एफर्मेशंस कौन सी हैं जिनको आपको हर दिन बोलना है। सबसे पहली एफर्मेशन है दैट आई एम यूनिक। आई एम यूनिक भी बोल सकते हैं, आई एम स्पेशल भी बोल सकते हैं। मैं हमेशा आई एम स्पेशल को यूज़ करती हूँ। क्यों, जब कोई ख़ास चीज़ होती है, किसी भी तरह का ख़ास कोई भी आपको इस दुनिया में चीज़ दिखती है, तो आपका अट्रैक्शन उसकी ओर जाता ही जाता है। अब वो ख़ास चीज़, जैसे आप डायमंड की बात कर लें, गोल्ड की बात कर लें, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा अलग सी चीज़ जो होती है, उसकी ओर हमारा अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ दैट आई एम स्पेशल, दैट आई एम यूनिक, तो आप उस वाइब्रेशन को क्रिएट करते हो। जब आप इस फीलिंग को अपने अंदर फील करते हो दैट आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, आप ये भी बोल सकते हैं। इसके साथ आप यूनिवर्स को भी जोड़ सकते हैं कि आप अपने अंदर उस वाइब्रेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करें कि आप में कुछ खास बात है और आपके आसपास के लोग जो होंगे वो आपके ऑरा की ओर अट्रैक्ट होंगे, आपकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो इसी से ही मिलती जुलती सेकेंड एफर्मेशन जो है, जो मैं देख पा रही हूँ कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग इन एफर्मेशंस को अनकॉन्शियसली ही अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि कोई भी सेलिब्रिटी है, कोई भी जिसको हम फॉलो करते हैं टीवी में, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई भी बड़ा आर्टिस्ट है, उनमें एक खास क्या होती है, दैट दे आर स्पेशल। सबसे पहली चीज़ वो यही मानते हैं कि मैं बहुत खास हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ, मुझमें कुछ अलग बात है। पहली एफर्मेशन वो अप्लाई करते हैं। सेकेंड एफर्मेशन उनकी क्या होती है, दैट आई एम अनफॉरगेटेबल। आई एम अनफॉरगेटेबल, आपको क्या इससे मीनिंग समझ में आता है कि मेरी प्रेजेंस को भुलाया नहीं जा सकता। अगर मैं 100 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में हूँ, तो मेरी प्रेजेंस को भुलाया नहीं जा सकता, मुझे भुलाना बड़ा मुश्किल है, इसका ये मीनिंग निकल के आता है। तो क्या होगा कि जब आप किसी भी इंसान के साथ बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपका ऑरा इतना शक्तिशाली बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल बनना स्टार्ट हो जाएगी कि जब आप अपनी बातचीत करने के बाद अपने घर भी चले जाओगे तो लोगों के दिमाग में आपकी एक जगह बन जाएगी। बिकॉज आप हर दिन इस एफर्मेशन से अपने आप को, अपनी बॉडी, अपनी वाइब्रेशन को चार्ज कर रहे हो दैट आई एम अनफॉरगेटेबल, मुझे भुलाना बड़ा मुश्किल है, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम अनफॉरगेटेबल। इस तरह की ये दो एफर्मेशंस हैं, इनको अगर आप हर दिन अप्लाई करोगे, हर दिन बोलना स्टार्ट करो, फील करना स्टार्ट करोगे, तो आप अपने लाइफ में जिस तरह का के भी लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपकी लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे। अगर अभी के लिए आपकी लाइफ में वैसे लोग आ रहे हैं जो आपको इनकम्प्लीट फील करवाते हैं, जो आपके प्रेजेंस को अच्छा फील नहीं कर पाते, आपकी प्रेजेंस में आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, तो आप उस टाइम पे उस सिचुएशन को इग्नोर करते हो, अपने आप के साथ मनी मनी इन एफर्मेशंस को रिपीट करना स्टार्ट करो दैट आई एम प्योर लव वाइब्रेशन, आई एम एनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम कम्प्लीट फ्रॉम विद इन, आई एम प्योर लव वाइब्रेशन। उसके बाद फिर इन एफर्मेशंस को अपनी डेली रूटीन में बोलते जाएंगे दैट आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, एंड सेकेंड वन इज़ आई एम अनफॉर
अनफॉरगेटेबल, मेरी प्रेजेंस को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, मेरी प्रेजेंस जो है वो बहुत ही मायने रखती है और मैं जहाँ पर भी होती हूँ मेरी प्रेजेंस को नोट किया जाता है, मुझे लोग मेरी ओर अट्रैक्ट होते हैं एंड पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छी विजुलाइजेशन करें इन एफर्मेशंस को बोलते हुए, तो आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ही बड़ा चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत पावरफुल दोनों स्टेटमेंट्स हैं। ये जितने भी लोगों को बहुत प्यार मिलता है, जैसे अगर हम किसी भी सेलिब्रिटी की बात करें, अगर उनको लोग प्यार करते हैं तो क्या होता है कि लोग उनकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को। स्क्रीन पर अगर वो 3 घंटे के लिए आपको दिखी किसी मूवी में, तो आप उन 3 घंटे ही सिर्फ उनको याद नहीं करते, आप लाइफ टाइम के लिए उनके फ़ैन बन जाते हो। तो उनके सबकॉन्शियस में ये एफर्मेशन तो है ही कि मेरी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, आई एम अनफॉरगेटेबल, एंड सेकंड वन इज़ आई एम स्पेशल। तो हमें लगता है कि इस एक्टर में या इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट में बाकियों के कंपैरिजन में कुछ तो खास बात है जिनके भी हम फ़ैन बन जाते हैं। तो आपको इन एफर्मेशंस को अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों का अट्रैक्शन करने के लिए, अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए इन एफर्मेशंस को अप्लाई करना है, इनको रिपीट करते हुए वैसा ही अपने आप को अंदर से बनाना है, क्योंकि जो आप होंगे वही आप बाहर से अट्रैक्ट करते जाओगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताना। अगर आप इसे प्रैक्टिस करने वाले हो तो अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग।